अस्सलाम वालेकुम। जानते हो मौजज़े कब होते हैं? जब तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो और जल्दबाजी नहीं करते हो। मौजज़े तब होते हैं जब तुम जब भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब दुनिया तुमसे कह रही होती है कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। मौजज़े तब होते हैं जब तुमने जो दरवाज़ा छूना होता है वो बंद नज़र आ रहा होता है, फिर भी तुम्हारे दिल को एक सुकून होता है कि रास्ता चाहे अल्लाह का चुना हुआ हो लेकिन वो मंजिल तुम्हारी पसंद की ही चुनता है। जानते हो ऐसा भी होता है, तुम तो भूल जाते हो अपनी सालों से मांगी हुई दुआ, मांगते मांगते थक जाते हो ये सोचकर कबूल नहीं हो रही, छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा रब नहीं भूलता। वो सालों बाद ही से ही लेकिन तुम्हारी दुआओं को कबूलियत का नाम दे देता है। उसे सब याद है तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़े का इंतज़ार करना। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जस्तजू, वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ा ख़ास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मलवा देगा और तुम ये हैरत अंगेज़ मौजज़े देखकर दंग रह जाओगे और कहोगे, अल्लाह ये कैसे मुमकिन हुआ, ये तो मैं भूल गया था। वो तो मालिक मौजज़ात है, मौजज़े करना तो उसकी शान है। मौजज़े तो तब होते हैं जब रास्ते दुश्वार होते चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कल तुम्हें गिनने देता, तुम्हें थामे रखता है। महसूस करो तो दिन में कितने ही तुम्हारे साथ मौजज़े होते रहते हैं। वो तुम्हें मामूली सी आजमाइश देकर जाने कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से महफूज रख रहा होता है। लेकिन जानते हो तुम्हें क्यों नहीं पता चल रहा होता? क्योंकि तुम सिर्फ़ अपनी चाहत को पा लेने को ही मौजज़ा समझ रहे होते हो, हालांकि वो तो सिर्फ़ अल्लाह जानता है। जानते हो वो कभी कभी कुछ लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी में भेजकर मौजज़े की शक्ल देता है, तो कभी कुछ लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालकर तुम्हें मौजज़े से मलवाता है। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की तौफीक ही तब देता है जब उसने कबूलियत की ठानी होती है। एक ही दुआ का बार बार दिल में ख्याल आना बेवजह तो नहीं। इतने इंतज़ार के बावजूद भी दिल का एक ही दुआ पर अटक के रह जाना बेवजह तो नहीं।